बस यही दिखाना है कि जिनके नजर में हम लिखुआ नजर आते हैं, हम चाहते तो क्रांति भी ला सकते हैं। तो बस मैं अपील करने आ रहा हूँ अपने बड़े भाई के लिए कि जीत जो पक्की है, बट अंतर इतना होना चाहिए ना कि पूरे हिंदुस्तान जी जो उस अंतर से इतना बड़ा अंतर होना चाहिए। और बस इस क्रांति को ऐसे ही जारी रखिए। सिर्फ नेता ही नेता नहीं, एक गरीब का बेटा भी आपके प्यार से बड़ा होता है और उसका उदाहरण खेसारी लाल यादव और पवन सिंह है। आज ये आदमी 35 साल से सिर्फ आपका सेवा ही कर रहे हैं आपके मनोरंजन के लिए, लेकिन इनके मन में आपके विकास के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए। तो एक तारीख को मैं सब माँ बाप चाचा काका पिता सबसे बोलना चाहता हूँ कि एक तारीख को आपको अपने बच्चों के भविष्य चुनना है, वोट नहीं देना है, भविष्य चुनना है और नौजवानों को भी अपना भविष्य चुनना है। तो हम किसी नेता को चुनते हैं कि अपने भाई और अपने बेटा को चुनते हैं। पवन सिंह आपके लिए नेता नहीं, आपके बेटा है, तो बेटा को आशीर्वाद मिलेगा ना, हम हाथ उठाए पगले। आपने आपने अपने आशीर्वाद से इन गरीब बच्चों पवन और खेसारी को नाम नहीं कमाना है, आप सबने हम लोगों को दे दिया है। एक सांसद बन के पवन खेसारी को पैसा नहीं कमाना है, वो आपने हम लोगों को दे दिया है। और हम कलाकारों को धन कितना चाहिए रे पगला, हम खुद खा ले और आए हुआ निधि की सेवा करने से ज्यादा धन होगा हम लोग पागल हो जाए। आप सब आशीर्वाद दीजिए, छात पर बटन दबा के अपने बेटा भाई को विजयी बनाइए। मैं ये वादा करता हूँ, वचन देता हूँ, हमारे समाज में अगर शिक्षा होगी तो कोई बच्चा बाहर भूखे नहीं मरेगा। इतना भरोसा रखिएगा, मैं दो चीज का ऐसा व्यवस्था करवाऊंगा जिसके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी किसी को, एक पढ़ाई और दूसरा दवाई। हम गड़िया के हेलीकॉप्टर तक जाए के छोड़ दो सारे भाई वहां। और ने पोस्ट किया कि जो दुश्मन जो दोस्त था वो बिक गया, और ये मेरा राजकुमार राजा भाई दिल में टिक गया। भैया हो, ये भाई का प्यार है, ये मेरे भाई का दुलार है, ये मेरे भाई का सभा है। आज मैं अपने बड़े बुजुर्ग माता बहन, हमार भैया चाचा, हमार नौजवान साथी सबके पैरों पर छू के प्रणाम करता हूँ, तो पानी बजा के आशीर्वाद देने का। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि कल यहाँ की जनता का जो दिल में दर्द था, जो तकलीफ था, जो दुख था, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं थी। पौनवा अपने एक्स पे ट्वीट किया, पोस्ट क्या कर दिया कि मैं काराकाट से चुनाव लड़ूंगा और हमारे समाज का, हमारे परिवार का जब बारिश आशीर्वाद का सर पे बरसने लगा, आज हिंदुस्तान भर से हेलीकॉप्टर काराकाट में लैंड होने लगी। ऑफर भी मिला था, व्यवस्था भी कहा था कि यही हो जाएगा, वो हो जाएगा, दिस हो जाएगा, दैट हो जाएगा। अरे भैया, तो आपने कल क्यों नहीं किया, आज ही दिख रहा है क्या, जब पवन आ गया है तो। और तो मेहनत नहीं हो रहा है यहाँ किसी से, भेजा लोग मीडिया से कहो था कि देखते जाइए 4 तारीख को खेला होगा। अरे 4 तारीख को खेला तो हमारे भैया करेंगे।
पवन के पीछे, खेसारी के पीछे सेल्फी लेने के लिए पागल है, ये भेद नहीं है। मैं आपको बता दूं साहब जी, ये वोट नहीं है तो क्या है? ये कड़ाके की धूप में, ये तपती गर्मी में देखाई पंडाले में चढ़ गए। लव यू तनी साहब, ऊपर चल ये निकल जाइए ऊपर वाले। लव यू। हमारे नौजवान भाइयों को लफुआ बोला जा रहा है। मैं अपने बड़े बुजुर्ग से, गार्जियन से, माई से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके बच्चे लफुए हैं? क्या आपका बेटा लफुए है? लफुआ आपके नजर में हो सकता है साहब, लेकिन ये नौजवान कौन खेसारी के लिए जान है? दुनिया है, जहान है। आने वाले 1 तारीख को आपको अपना पावर दिखाना है, दिखाई बजाना हो, क्योंकि नौजवान ही हमारे देश में बदलाव लाते हैं और नौजवान ही हमारे देश में बदलाव लाते रहेंगे। अरे तो जगहिया दे लोग तब ना चाचा। और नौजवान इस देश के क्रांति हैं, जिसके नजर में लफुआ है ना, उनके पास भी बेटा है, उनका बेटा लफुआ नहीं है। और हम गरीब लफुआ है, 1 तारीख को अपनी ताकत दिखाओ कि हम लफुआ है कि क्रांति है, और कैंची से सबको काटो। अरे भाई, अरे भाई, अरे बाबू कहाँ थे? पवन भैया की दबा, खेसारी भैया की दबा, हमारा मोहर कहाँ लगेगा? 12 नंबर निर्दलीय प्रत्याशी पवन भैया। भैया हमनी के भैया खेसारी भैया को लेके 5 लाख ले उतरे ना, हम पर 7 लाख कोठिया बिताने के बाद पवन भैया के पवन सिंह की दबा। हमार गोल नहीं खे, फिर भी हम पंचम संभाग भागो पर आई नहीं। क्यों आवे ना तो लता? जय जय जिला। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमार भैया एगो साधा बा, पवन भैया और खेसारी भैया के पूर्ण पर्दा पर आ जाती तो हम जी जाती, हमार दिल धन हो जाए। अगला अगले बार तरह के लिए हम सुनिए।